हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुजीत एंड यू आर वॉचिंग सुजीत एकेडमी। आज के इस एपिसोड में मैं BBMKU यूनिवर्सिटी का सेम फाइव का इंग्लिश ऑनर्स का 2020 का फाइनल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कुछ दिए हैं, है ना। और ये दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोर 11, है ना। कोर 11 क्या है? कोर 11 से टोटल 80 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 10 × 1 यानी 10 एक मार्क्स का 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि यूनिट 1, 2, 3, 4 तीनों से होगा। लेकिन मैंने किसी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गेस नहीं किया। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स, जिससे आपको 4 प्रश्न लिखने हैं 10 मार्क्स का, है ना। इस तरह से इससे आपको 40 मार्क्स मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट अ नोट ऑन द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन अमेरिका। अमेरिका में जो फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ था उसके बारे में आपको नोट लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन वीमेन्स राइटिंग इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो वीमेन्स राइटिंग हुआ था, वीमेन लोगों ने जो नॉवेल्स लिखा था, उसके बारे में आपको लिखना है। तीसरा प्रश्न है, राइट अ नोट, ये सारे फेमिनिस्ट मूवमेंट यूनिट 1 से दिया गया है, जिसमें आपको नोट लिखना है नॉट मोर देन 150 वर्ड्स में। सबसे पहला ब्लैक फेमिनिज्म, दूसरा है एनार्का फेमिनिज्म, तीसरा है कल्चरल फेमिनिज्म, चौथा है आई फेमिनिज्म, पांचवा है ट्रांस फेमिनिज्म और छठा है आपका मल्टी रेशनल फेमिनिज्म। इसके बाद आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, जो कि 15 मार्क्स का दो होगा यानी 30 मार्क्स का। इस पर मैंने गेस किया है फास्टिंग फेस्टिंग, जो अनिता देसाई के लिखा हुआ उसका आपको समरी या प्लॉट लिखना है, और दूसरा सूला जो टोनी मॉर्सन ने लिखा उस नॉवेल का थीम लिखना है, है ना। इस प्रकार से टोटल 70 मार्क्स का मैंने गेस किया है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कोर 2 में। कोर 2 भी इसी प्रकार से है कि शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि आपको 150 वर्ड्स के भीतर ही कंप्लीट करना है। आपको 4 क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे इसमें 10 मार्क्स का, यानी टोटल आपका आएगा 40 मार्क्स। इससे मैंने गैस किया सबसे पहले जॉर्जियन पोएट्री गैस किया है, उसके बाद वॉर पोएट्स, तीसरा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस नॉवल, चौथा है द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, पांचवा है द एज ऑफ ट्रांजिशन और छठा है नियो रोमांटिसिज्म। ये 6 क्वेश्चंस मैंने 6 का 6 आप याद कर लें, इसमें से 4 क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे। फिर इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें से आपको 2 लिखना है 15 मार्क्स का। इस प्रकार से आप टोटल यू विल गेट 30 मार्क्स। पहला है आपका प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ पिग्मेलियन, जो कि आपने पढ़ा है, जो ड्रामा है। दूसरा मेन आइडियाज इन ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसमें ट्रेडिशन और इंडिविजुअल टैलेंट जो क्रिटिक ने लिखा है उसके मेन आइडियाज, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि आपको मेन पॉइंट समरी लिखना है। चूंकि 4 पेपर है, तीसरा पेपर आप लोग का है DSE 1, तो मैंने DSE 1 और DSE 2 केवल गेस किया स्टडी ऑफ शेक्सपियर से। तो सबसे पहला आप लोग का है DSE 1 में आप लोग का है शेक्सपियर ट्रेजडी, और इससे मैंने आपको लिखना है। फिर वही जो मैंने इसमें 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है वो मैंने गेस नहीं किए हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो आपको 2 लिखने हैं 10 मार्क्स करके, यानी टोटल 20 मार्क्स का, है ना। इसमें क्या, अगर आप याद कर लेते बढ़िया से शेक्सपियर ट्रेजडी, मींस मेन एलिमेंट्स ऑफ शेक्सपियर ट्रेजडी, मेन थिंग्स अबाउट द शेक्सपियर ट्रेजडी, उसी से 2 क्वेश्चन बना के आपको दिया जाएगा 10 मार्क्स का। एक क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसको 2 भाग में डिवाइड कर देगा। अगर उसके बढ़िया सा अध्ययन कर लेते हैं शेक्सपियर ट्रेजडी, एंड यू विल बी कैपेबल टू आंसर बोथ द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 16 मार्क्स का, तीन क्वेश्चन आपको लिखने हैं 16 × 3 = 48 मार्क्स का, है ना। जिसमें मैंने गेस किया मैकबेथ से कैरेक्टर ऑफ लेडी मैकबेथ, दूसरा किंग लियर से प्लॉट कंस्ट्रक्ट ऑफ किंग लियर, और तीसरा जो ट्रेजडी है ओथेलो उसका आपको समरी लिखना है। इस प्रकार से इससे आपका क्वेश्चन आ गया। DSE 2 लास्ट है, ये 4th पेपर। उसी प्रकार इसमें से भी आपको 12 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और मैंने वो गेस नहीं किया है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिखने हैं 20 मार्क्स का।
नोट ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज, अगर आप शेक्सपियर कॉमेडीज बढ़िया से पढ़े होंगे, उसका मेन एलिमेंट्स, मेन थीम, शेक्सपियर का राइटिंग स्टाइल अगर आप पढ़े होंगे, स्टेज परफॉर्मेंस पढ़ा होगा, इसी लॉन्ग क्वेश्चन से, ये एक ही क्वेश्चन है, इसी को दो क्वेश्चन बना के आपको दिया जाएगा 10 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन, लेकिन आप इसको दो भली भांति बढ़िया से रट लेंगे तो आराम से आंसर दे सकते हो, जबकि इससे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगला है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा 16 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन आपको लिखना है, यानी टोटल 48 मार्क्स का है ना, जो कि ये तीनों जो है शेक्सपियर कॉमेडीज है। तो पहला है प्लॉट ऑफ मच एडो अबाउट नथिंग, दूसरा है कैरेक्टर ऑफ प्रोस्पेरो जो कि टेम्पेस्ट का है, तीसरा है प्लॉट ऑफ अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। इस प्रकार से मैंने टोटल क्वेश्चन गैस कर लिए हैं, एक बार आप बढ़िया से दोबारा देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप इसको भली भांति याद कर लें तो आई एम वेरी मच श्योर दैट यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लास्ट में शेयर करें, लाइक करें और कॉमेंट्स करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।